सारा ड्रामा है इस एंगेजमेंट में. मंदिरा विजय से अभी भी प्यार करती है, अभी भी उसने हार नहीं मानी हुई है. वो कोशिश करी किसी भी तरह कि विजय ने अपनी मजबूरी में आकर जो डिसीजन लिया एक गाँव वाली लड़की से शादी करने का, तो उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया. बट मैं हर मोड पे उसको याद दिला रही हूँ कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, बट तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम इतने इजीली मुझे मत छोड़ो. अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी सारी चीज़ें सही कर सकते हैं. तो मैं उसको यही बस बोल रही हूँ कि जाओ एक सेकंड साइड में. तो मैं उसको अभी भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है, तो हम अभी भी मतलब एक हो जाते हैं, बट वो मान ही नहीं रहा है. तो इंगेजमेंट में जैसे वो रिंग बुलबुल के लिए सिलेक्ट करता है, सो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह ना वो रिंग मुझे मिल जाए और अपनी इंगेजमेंट में वो रिंग मैं पहनूँ. एंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हूँ मैं बुलबुल के सामने कि मेरी अंगूठी खो गई है एंड ऑल. सो मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी अंगूठी अभी नहीं मिली तो मेरी इंगेजमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी. सो प्लीज़ तुम मेरी जो विजय ने तुम्हारे लिए अंगूठी सिलेक्ट की वो तुम मुझे दे दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूसरी अंगूठी मंगा रही हूँ. तो बड़ी एकदम अनश्योर सा आंसर देती है कि ठीक है ऐसे वैसे. तो फाइनली रिंग मुझे मिल जाती है एंड लेट्स सी फिर आगे क्या होता है. एंगेजमेंट फाइनली किसकी किसके साथ होने वाली है? एंगेजमेंट तो आनंद के साथ ही होने वाली है मेरी एंड बुलबुल की विजय के साथ होने वाली है. बस पूरा जब एंगेजमेंट हो जाती है तो मंदिरा काफ़ी अनसेटिस्फाइड सी लग रही है. ये अभी हमने आगे शूट नहीं किया है, सो मुझे भी नहीं पता.